क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा बेहद खराब रहा था, लेकिन वहीं ऑस्ट्रेलिया में चल रहा विमेंस वर्ल्ड कप टीम इंडिया की महिलाओं के लिए कमाल का चल रहा है। टीम इंडिया ने अब तक वर्ल्ड कप के सारे मैच जीते हैं और भारतीय महिलाओं की इन जीतों में एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा योगदान है और वो है शेफाली वर्मा। और 16 साल की शेफाली अब दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गई हैं। ICC ने भारत के सेमीफाइनल मैच से ठीक पहले रैंकिंग की लिस्ट जारी की है, जिसमें शेफाली ने 19 स्थानों की लंबी छलांग लगाई है। तो आपको दिखाते हैं सब कुछ, आप भी शेफाली वर्मा की इस बड़ी जीत पर कमेंट जरूर करें। तो शेफाली वर्मा का वर्ल्ड कप में तूफानी खेल जारी है और इसी तूफानी खेल ने शेफाली को दुनिया की सबसे बड़ी बल्लेबाज बना दिया है। ICC ने बुधवार यानी 4 मार्च को नई रैंकिंग जारी की है, जिसमें शेफाली वर्मा दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई हैं। और हैरानी की बात यह भी है कि शेफाली ने इसके लिए 19 स्थानों की छलांग लगाई है। मतलब ये है कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले शेफाली T20 रैंकिंग में 20वें नंबर पर थी और अब शेफाली सीधे नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच गई है। 761 अंकों के साथ शेफाली टॉप पर पहुंच गई और शेफाली ने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स को पीछे छोड़ा। सूजी के अब 750 अंक हैं और शेफाली उनसे 11 अंक आगे हैं। और अभी तो शेफाली को इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल और फिर अगर जीते तो फाइनल मैच भी खेलना है। यानी वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद शेफाली की ये लीड कहीं ज्यादा हो जाएगी और आगे लंबे समय तक शेफाली वर्मा ही नंबर 1 बल्लेबाज रह सकती हैं। और वैसे भी अक्टूबर 2018 में सूजी बेट्स नंबर 1 बनी थी और 18 महीने के बाद शेफाली ने सूजी को नंबर 1 की गद्दी से हटा ही दिया। हालांकि शेफाली के बाद अगले 4 नंबर पर न्यूजीलैंड की ही खिलाड़ी काबिज हैं, लेकिन भारत की स्मृति मंधाना 2 स्थान के नुकसान के साथ 4थे से 6थे नंबर पर पहुंच गई हैं, जबकि भारत की ही जेमिमा रॉड्रिक्स भी 2 स्थान के नुकसान के साथ 7वें से 9वें नंबर पर पहुंच गई। हालांकि शेफाली ने बड़ा कमाल किया है और मिताली राज के बाद ऐसा करने वाली वो भारत की सिर्फ दूसरी बल्लेबाज हैं, साथ ही 18 साल से कम उम्र में नंबर 1 बनने वाली दुनिया की पहली और इकलौती बैट्समैन हैं। तो शेफाली वर्मा ने कमाल कर दिया, अब इंतजार इंग्लैंड के साथ सेमीफाइनल मैच का है, जिसमें फिर से शेफाली का जादू दिखेगा। तो आपको शेफाली वर्मा के इस कमाल पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि शेफाली ने देश का नाम ऊंचा कर दिया है। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।